नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया जी मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। योगेंद्र, क्या कहना चाहेंगे जो 84 दिन रहे चुनाव प्रचार प्रसार के, क्या कुछ? तो मुझे 84 नहीं मिले, मुझे तो शायद 71 बेहतर दिन मिले हैं, लेकिन मैंने 84 कर ली है, रात का सारा समय निकाल लिया मैंने। चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया रहा मेरा, मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं, मोदी जी के काम पर चुनाव जीत रहे हैं। दिल्ली सरकार की जो असफलता है, राशन कार्ड नहीं बने लोगों के, लोगों में गुस्सा है, राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़े लोगों में गुस्सा है, वृद्धावस्था पेंशन 8 साल से बंद है, लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं, शराब के साथ एक बोतल शराब दे दी है, महिलाओं में खास नाराजगी है और केजरीवाल साहब का बैंड बच चुका है। सर, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कह रहा है कि 7-0 से हराने वाले हैं बीजेपी को इस बार। अभी अंदर कहा है शायद हमारे किसी एक ने, मुझे नाम ध्यान नहीं है, कि कम से कम दिल्ली में एक या दो जगह पर जमान जब्त हो सकती है। अच्छा सर, जो कल चुनाव का दिन है और काफ़ी गर्मी में, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, बाहर निकलें लोग? लोग अपनी NGO अपनी RW के साथ मीटिंग कर रही हैं और वो वोट डलवाना चाहती है, मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने बातचीत करी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से भाजपा के उम्मीदवार लोकसभा सीट से योगेंद्र चंदोलिया जी। फिलहाल के लिए इतना ही, दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट। चांदनी चौक से भाजपा के प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रवीण सर, आज चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, 84 दिन कैसे बीते, क्या कुछ कहना है? देखिए, 84 दिन में एक बात तो तय है कि हम सब लोगों ने मेहनत की पराकाष्ठा को छुआ है, लेकिन सुखद ये बात है कि हम पूरे कैंपेन के दौरान हम उन सब लोगों से मिले जो हमें जानते नहीं थे, हमें पहचानते नहीं थे, हमारे परिचित नहीं थे, लेकिन वो मिले, आतुरता से मिले, स्नेह से मिले, विश्वास से मिले, उन्होंने अपना प्यार दिया, समर्थन दिया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनका स्नेह और विश्वास हमारे ऊपर एक कर्ज है और उस कर्ज की अदायगी हम जरूर करेंगे अपने अच्छे कामों से। सर, आपके सामने जो है चांदनी चौक सीट से JP अग्रवाल है कांग्रेस से, क्या लगता है मुकाबला टक्कर का होगा या फिर कैसा? कोई मुकाबला नहीं है। जयप्रकाश अग्रवाल जी 35 साल पहले चांदनी चौक छोड़ करके चले गए, पिछले 25 वर्षों से वो चांदनी चौक के किसी भी विषय पर, किसी भी मुद्दे पर साथ नहीं थे। ये इतिहास बताता है, ये रिकॉर्ड बताता है। और आज जब चुनावों के लिए वो आकर के कहें कि मैं चांदनी चौक का हूँ, तो लोग इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे, लोग विश्वास नहीं करेंगे, और लोगों ने अपना मन बना लिया है, निर्णय लोग कल मतदान पेटी में अपना देंगे। सर, जो पुरानी दिल्ली की जनता से क्या रिस्पांस मिला, आपको क्या लगता है क्या होने वाला 4 जून? सभी जगह से अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने जिस प्रकार का मुझे मत दिया, समर्थन दिया और मुझे जो प्यार दिया, वो साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें दिल्ली की जीत रही है। आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, अगर जीत होती है तो चांदनी चौक में पहला काम क्या होने वाला है? देखिए, कामों की एक लंबी फहरिस्त है। मैंने आपको कहा कि मेरा अपना मानना है कि लोगों का कर्ज है, उस कर्ज की हम अदायगी करेंगे और अपने अच्छे कामों से करेंगे। शुक्रिया समय देने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, चांदनी चौक से लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल जी से हमने बातचीत करी, जिन्होंने बताया उनके जो चुनाव प्रचार प्रसार के 84 दिन थे किस तरह से बीते, क्या कुछ उनके सामने संघर्ष रहे, क्या कुछ चुनौतियाँ रही। बहरहाल, देखने वाली बात यह होगी कि 4 जून को लोकसभा सीटों पर विजय कौन होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, दिल्ली से ट्रू टू लाइफ के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।